हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे इस प्यारे से कलरफुल लीव वाले प्लांट वेंडरिंग जू के साथ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे कलर देखने को मिल रहा है, इसमें ग्रीन, पिंक, पर्पल और हल्का वाइट। आप सब एक ही प्लांट में इतने सारे कलर देख रहे हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आज इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। आप इधर भी देखिए, मैंने छोटे से ये वेस्ट प्लास्टिक की बोतल में भी इसको लगा रखा है, इसमें इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। आप इसको लगाने के लिए नॉर्मल मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह टांगना चाहते हैं तो आपको इसमें जो मिक्सर लेना होगा उसको आप हल्का रखें, तो इसके लिए आप कोकोपीट और आपकी गार्डन की जो मिट्टी है वो और गोबर की खाद को आप मिक्स करके डाल दें और उसमें इसकी छोटी छोटी टहनियाँ आप लगा दें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी छोटी सी टहनियाँ आप ला के मिट्टी में अगर रख देते हैं, मतलब मिट्टी के संपर्क में जैसे ही आती है तो इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में इसकी रूट निकलने में 6-7 दिन लग जाते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं इसी के नीचे से छोटी छोटी रूट निकलती रहती है, तो आप उन्हीं में से तोड़ के इसको लगा सकते हैं। और इसे बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसे बहुत अधिक धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको धूप में रखते हो तो इसकी लीफ थोड़ा जल जाती है और इसके जो प्लांट का जो कलर है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। आप इसको अगर सेमी शेड में सुबह और शाम की अगर धूप में ऐसी जगह पर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके गार्डन में बना रहेगा। और एक बार लाने के बाद इसे दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी छोटी सी टहनी आप लगाओगे तो इसी तरह ये बेल की तरह बहुत फैलती जाती है, जितनी जगह मिलेगी उतनी ये फैलती जाती है। इसलिए इसको अपने गार्डन में लाएं और इसको ऐसे ही छोटे छोटे पॉट में, हैंगिंग प्लांटर में आप आराम से लगा सकते हैं। इसी का एक दो प्लांटर मैंने इधर बना के टांग रखे हैं, आप देख रहे हैं। इसी की दो बोतलें मैंने काट के लगा रखी हैं, इनमें भी इसके ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। इसमें पानी की भी बहुत आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप इसमें पानी देना भूल भी जाते हैं तो भी ये प्लांट ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, तो भी ये प्लांट चलता रहेगा। बस इसकी लीफ थोड़ा बहुत सूख जाएंगी, हल्का मुरझा जाएंगी जैसे ही आप इनमें पानी डालेंगे, तो ये फिर से हरी भरी और अच्छी हो जाएंगी। तो इसको आप अपने गार्डन में ला सकते हैं, ये ईजी टू ग्रो है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रेख देख करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मिट्टी में इसको रखिए और अपने गार्डन को कलरफुल बनाइए। और इसको सेमी शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इसमें कलर निकल के आता है। अगर धूप में रखेंगे चल तो ये धूप में भी जाता है, लेकिन इसमें जो इसके कलर हैं वो थोड़ा हल्के हो जाते हैं। तो इसी तरह के और प्लांट और प्लांटों के बारे में जानने के लिए और इनकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।